Santosh! 6. Santosh! I need your help right now. 7. Ashley! Kim ma'am, main aapki help karta hu. तुम्हारा नाम संतोष है? नहीं, वो नहीं है ना. Go away then. Go. संतोष. जाओ संतोष. I'll manage. Sure sir. How can I help you? Forget it. Ma'am, let's do the front lateral raises like this. You remember? Come on, let's do it. Dikhai nahi deta tumhe, huh? Stupid. Forget it. What's wrong with her? Relax na. Audition mein reject ho gayi hogi. Arey, toh cheating se sakti bhai. मैंने तुमको अपने बिल्डिंग में 2 फ्लोर दिया था तुम्हारे जिम के लिए, हॉल सब चलाने के लिए, लेकिन तुमने अमजद को नीचे वाला फ्लोर क्यों दे दिया? वो भी मेरे पूछे बिना. अरे ये बिल्डिंग मेरा है, तुम मेरे किरायेदार हो, तो मेरे पूछे बिना तुमने दूसरा किराया क्यों रखा? चौड़िया जी, कम जाओ. और आपको तो खुश होना चाहिए था कि मुंबई के बेस्ट हेयर एक्सपर्ट मिस्टर अमजद का सैलून और स्पा आपके बिल्डिंग में खुल रहा है, और आप कहे तो आपकी. अरे बाल काटना था तो हेल्थ क्लब क्यों खोला? देखो सेट्टी भाई, बहुत हो गया. मैंने तुमको वार्निंग दी थी, अब तुम पे केस करूंगा. ये अमजद तो जाएगा ही, लेकिन ये समझ लो कि तेरा ये जिम भी गया. ये सब लोखंड है ना, बेच डालो आप बंगाल में, बेच डालो. अरे क्या करता है? मेरा हेल्थ क्लब आप बंद नहीं कर सकते मिस्टर चौरडिया. मैंने लीज की पूरी रकम आपको एडवांस में दी है. अरे तो वापस ले लो ना, किसको चाहिए? यही तो आप समझ नहीं रहे, वो पैसा मेरा पैसा नहीं, वो पैसा राघव अन्ना का है. अरे आ तो सरासर गलत छे. छे तो छे. अभी तुम एक काम करो, अपनी तेल की फैक्ट्री देखो. यहाँ मैं 2 फ्लोर पर क्या करता हूँ उससे दूर रहिए आप. अरे कैसा आदमी है ये बिल्डिंग मेरा है, मुझे बुला के मेरे को ही धमकी देता है. शुक्र करो कि धमकी देता हूँ. अगर राघव भाई को पता चला ना तो धमकी की फॉर्मेलिटी भी नहीं रहेगी. गलच्चे बद्दू गलच्चे. थैंक यू सो मच विकी, तुमने मुझे बचा लिया. अब मैं बड़ी ही आराम से काम करूंगा. थैंक यू सो मच, अब मजा आ गया. हाँ बस मेरा कट याद रखना, पूरे 20%. विकी लेकिन ये पैसे देने किसे? तुम्ही या राघव अन्ना को? After all, बॉस के बॉस तो वही है ना. By the way, nice muscles ना. Bye baby. सर, हमारी जरूरत है. एक्चुअली तुमको पता है जिम बंद होने के बाद ही मैं वर्कआउट करता हूँ. एक काम करो, तुम में से एक जाओ, एक मेरी हेल्प करो. आज तो रुक जा, कल मैं रुक जाऊंगा. ठीक है, चल गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट. गुड नाइट. एक्चुअली सुना है कि किम ने आज फिर नाटक किया. हाँ यस बॉस, डेली किसी ना किसी का इंसल्ट करती है. अपने आप को फिल्म का हीरोइन समझती है. एक काम कर, अगले महीने से उसका मेंबरशिप भी काट दे. चलो सपोर्ट करो. कमऑन बॉस. कमऑन. लाइट वेट. लाइट लाइट. कमऑन सर. लाइट हेल्प. ओके ओके. टेंशन मत लो, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा.
अरे कोई मर गया तो इसका क्या मतलब जिम बंद कर दोगे तुम? मैम पुलिस के ऑर्डर है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। समझिए माय फुट, यू मेड मी मिस माय वर्कआउट, इसलिए ली थी मैं मशीन मैंने यहाँ पर, हाँ? गॉड, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। एक्सक्यूज मी। व्हाटएवर। क्या बात है एक्चुअली, क्या हुआ? सर कल रात जिम के ओनर मिस्टर शेट्टी का मर्डर हो गया। संतोष को अरेस्ट किया उनके मर्डर के लिए? अभी लेकर गई है पुलिस उसे। देखो संतोष, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, किंतु पुलिस का यह कहना है कि उस रात सुपरफ्लेक्स जिम में दो ही लोग थे, तुम और मिस्टर शेट्टी। तो मिस्टर शेट्टी को ट्रेन कर रहे थे और ट्रेनिंग करते समय वो बारबेल उनकी गर्दन पर डालकर उनकी हत्या की है। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ ये बात सच है कि मैं उस रात उन्हें ट्रेन जरूर कर रहा था, लेकिन जब शेट्टी सर की हत्या हुई मैं नीचे के फ्लोर में वॉशरूम यूज करने गया था। शेट्टी सर जिम में अकेले थे, हो सकता है कि बारबेल उनके हाथ से छूट गया हो। इट माइट बी एन एक्सीडेंट सर। इट माइट बी एन एक्सीडेंट। एक बात बताओ संतोष, मिस्टर शेट्टी के साथ तुम्हारी कोई अनबन, कोई बैर, दुश्मनी कुछ? नहीं सर, ऐसा क्यों होगा? He was my employer, I was his employee. मैं बस अपना काम कर रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। फिर क्या कारण हो सकता है कि पुलिस इतने विश्वास से कह रही है कि मिस्टर शेट्टी को तुम्ही ने मारा है? What can be the reason? यकीन इसलिए है योर ऑनर कि उस वक्त जिम में तीसरा व्यक्ति कोई और था ही नहीं, और फिर इस बारबेल यानी आयरन रॉड के सिरों पर जो उंगली के निशान पाए गए हैं वो संतोष से क्रॉस करके। इससे ये जाहिर होता है कि इन्होंने शेट्टी साहब को वेट उठाने में मदद करते करते उनका बोझ हमेशा के लिए इस धरती से उठा दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अवध त्रमाणी जी जिसे हत्या कह रहे हैं वो दुर्घटना भी हो सकती है। ये पूरी तरह से संभव है कि मिस्टर शेट्टी के हाथों से वो वजन फिसल कर उनके गर्दन पर गिरा हो। मिस्टर पाठक, अगर मेरी जगह कोई अनाड़ी होता तो ये बात मान लेता, लेकिन शेट्टी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। 16 साल की उम्र से योर ऑनर उन्होंने वेट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। वो खुद एक माहिर ट्रेनर भी थे। और जहां रही बात वजन उठाने की, 160 पाउंड तो क्या, मिस्टर शेट्टी 200 पाउंड से ज्यादा की बेंच प्रेस लगाते रहे हैं। तो ये वजन का गिरना हादसा नहीं योर ऑनर, एक सोची समझी साजिश है मौत की जो संतोष के हाथों है। ठीक है उत्तमानी जी, फिर ये भी बता दीजिए कि मिस्टर शेट्टी की हत्या करने के लिए क्या 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 मकसद था संतोष का, क्या कारण था, क्या चाहता था वो? क्योंकि संतोष के अनुसार उसके और मिस्टर शेट्टी के बीच कोई बैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं थी। वो तो इनका कहना है मिस्टर पाठक, सबूतों का नहीं। हाँ तो मिस्टर संतोष, 18 मार्च 2012 मिस्टर शेट्टी ने आपको अपने ऑफिस बुलाया था रात 9:15 बजे और गुस्से में आपसे बहुत कुछ कहा। नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपकी कलीग ट्रेनर हिवा शराफ का तो कुछ और ही कहना है। सर उस शाम अपनी शिफ्ट खत्म करके ही मैं लॉकर्स की तरफ जा ही रही थी, तभी मैंने बॉस के केबिन से उनके जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। कान लगा कर सुना तो ये। अभी का अभी अपना इस्तीफा दो और निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अब यहाँ एक दिन भी काम नहीं करने दूंगा। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। मुझे बनाने की कोशिश मत करो संतोष, मैं सब समझता हूँ। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, मेरी सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरे फादर हॉस्पिटल में है। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, तुम इस महीने के आखिरी तक काम करो, उसके बाद आउट। सर मेरी बात तो सुनिए सर। आउट। सर ये लड़की झूठ बोल रही है, सर ये झूठ बोल रही है सर। मिस्टर संतोष ये झूठ क्यों बोलेगी, आपको फंसा के इन्हें क्या मिलेगा? सर ये
ये लड़की मुझसे प्यार करती है। मैंने इसे कभी भाव नहीं दिया इसलिए। क्या तुझे लगता है आज भी तेरे चक्कर में हूं मैं? शांत रहिए हिबा जी, शांत रहिए। लगता है मिस्टर संतोष को अगले महीने आपकी होने वाली शादी का इनविटेशन कार्ड नहीं मिला है। इन्हें आज भी लगता है कि आप इनसे बेहद प्यार करती हैं, आप इनके प्रेम में दीवानी हैं, वीरा जी की तरह। योर ऑनर, मिस्टर शेट्टी किसी कारणवश संतोष को नौकरी से निकालना चाहते थे। नौकरी हाथ से न जाए इसलिए इन्होंने मिस्टर शेट्टी की हत्या कर दी। That's it, योर ऑनर। अवध त्रिवाणी जी, मुझे आपकी बातों से पूरा विश्वास होता जा रहा है कि हत्या नहीं दुर्घटना ही है। और वो दलील कि इस बारबेल पर, इस आयरन रॉड पर संतोष की उंगलियों के निशान उपस्थित हैं, उसका कारण ये है कि कुछ क्षण पहले ही संतोष मिस्टर शेट्टी को वजन उठाने में मदद कर रहा था। इजी, कम ऑन। उसके बाद योर ऑनर ये नीचे वाली मंजिल पर बाथरूम गए जिस समय में मिस्टर शेट्टी की मृत्यु हुई। बाथरूम में गए थे, लेकिन क्यों? आप बाथरूम क्यों जाते हैं अवतरमानी जी? हर व्यक्ति उसी कारण के लिए बाथरूम जाता है कि नहीं? बिल्कुल, शायद उसी काम के लिए बाथरूम जाता है, लेकिन यहाँ कोई दूसरा कारण है। बहरहाल मिस्टर संतोष, आप बाथरूम गए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप बाथरूम की दीवार तोड़कर अंदर घुसे या ताला तोड़कर? सर बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर। उस रोज नीचे के फ्लोर के बाथरूम का रेनोवेशन चल रही थी जिसकी वजह से उस पर ताला लगाया हुआ था और उस ताले की चाबी सिक्योरिटी गार्ड महादेव के पास थी। आप बाथरूम गए ही नहीं, आप उसी फ्लोर पे थे जहां मर्डर हो रहा था। आप मर्डर को अंजाम दे रहे थे। यू किल्ड हिम। नहीं सर, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मैं बाथरूम ही गया था। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं ये स्पष्ट करूं कि बाथरूम का दरवाजा खुला था या बंद, उस पर ताला लगा था या नहीं, मैं अदालत के सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस समय उस बिल्डिंग में एक और व्यक्ति उपस्थित था, तीसरा व्यक्ति। योर ऑनर, हेयर स्टाइलिस्ट अमजद शेख। हेलो सर, मैं उस रात उस बिल्डिंग में ही था, लेकिन जिम वाले फ्लोर पे नहीं, उसके नीचे वाले फ्लोर पे था जहाँ पे मेरा हेयर सैलून और स्पा है, अमजस की नई ब्रांच। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत ढेरों बधाइयाँ आपके इस नए ब्रांच के लिए। ये बताइए अमजद जी के इतनी रात के 11 बजे क्या कर रहे थे वहाँ? मेरे वहाँ वर्कर काम कर रहे थे, मैं उन्हें सुपरवाइज करने के बाद वापस लौटने ही वाला था। बड़े मेहनती हैं आप। ये बताइए कि ये जो आपने नया ब्रांच खोला है, हेयर सलून एंड स्पा, तो इसकी अनुमति आपको किसने दी थी? ऑफ कोर्स बिल्डिंग के मालिक मिस्टर चौराडिया ने, उन्हीं के साथ मेरी डीलिंग हुई थी। रियली? उनके साथ आपकी डील हो चुकी है? फिर क्या कारण है कि मिस्टर चौराड़िया आप पर और मिस्टर शेट्टी पर मुकदमा दर्ज करने वाले थे? आई थिंक इट इज अनलॉफुल लीव एंड लाइसेंसिंग, करेक्ट? जी, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। मिस्टर चौराड़िया आपके और मिस्टर शेट्टी के विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज करने वाले थे, जिसके भय से मिस्टर शेट्टी ने ये डील कैंसिल करने का सोचा, ये विचार उनके मन में आया। और जब आपको उनके इस विचार के बारे में पता चला, आपने उनकी हत्या कर दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे और मिस्टर शेट्टी के बीच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और रही बात उन्हें मारने की, तो सर We were on a different floors. मैं थर्ड फ्लोर पे नीचे, वो फोर्थ फ्लोर पे ऊपर। और संतोष जी नीचे वाले माले के बाथरूम में, तो 5 मिनट बहुत होते हैं एक माला चढ़कर किसी की हत्या कर वहां से भागने के लिए, नहीं लगता आपको ऐसा? ओ आई सी, जस्ट अ मिनट, यू नो ना।
अगर ऐसा है तो क्या आप इसे उठाने की चेष्टा करें? श्योर। ओह गॉड, इट्स टू हेवी। ऑर्डर ऑर्डर। देखा है मिस्टर पाठक, आपकी तरह सभी इंसान इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए मिस्टर अमजद शेख, क्या कभी आपने वेट ट्रेनिंग ली? जी नहीं, एक बार 10 पाउंड का डंबल उठाया था बट मेरी कलाई मुड़ गई। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, एक्सक्यूज मी, मिस्टर शेट्टी 10 पाउंड का वजन नहीं उठाते थे, कम से कम 160 पाउंड का। अब मुझे नहीं लगता है कि आप 160 पाउंड का वजन उठाकर किसी को मार सकते हैं, क्यों मिस्टर अमजद? यस, ये संतोष नहीं मारा होगा मिस्टर शेट्टी को, इसे तो मैं 3rd फ्लोर के बाथरूम के पास भी नहीं देखा था। ही इज द खूनी। नो सर, संतोष को मैं 8 साल से जानता हूं, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसकी बॉडी में एक भी वॉलेंट बोन नहीं है, जेंटलमैन है सर। मिस्टर शेट्टी का खून इसने नहीं किया, किसी और ने किया है। किसने किया? क्या लगता है तुम्हें? हमारी बिल्डिंग के बिल्डर मिस्टर चोरडिया। मिस्टर चोरडिया, क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि उस रात को मैंने और संतोष ने देखा कि मिस्टर शेट्टी ने मिस्टर चुरड़िया को धमकी दी। अरे कैसा आदमी है ये? ये बिल्डिंग मेरा है, मुझे बुला के मेरे को ही धमकी देता है। शुक्र करो कि धमकी देता हूँ, अगर राघव भाई को पता चला ना तो धमकी की फॉर्मेलिटी भी नहीं रहेगी। तो दोनों में इतना दुश्मनी होगा तो मिस्टर चुरड़िया ने मारा होगा मिस्टर शेट्टी को। मैं एक बिल्डर हूँ, लोगों का मर्डर करके अपने धंधे पे ताला मारना है क्या? ये बात तो सही है चौराड़िया साहब, ये बात भी सही है कि आप मिस्टर शेट्टी पर पंथकी एंड सन्स एडवोकेट्स द्वारा केस करने वाले थे, मुकदमा दर्ज करने वाले थे, सही है? हाँ, क्योंकि शेट्टी ने मेरे साथ गफला किया था। शेट्टी ने मेरे बिल्डिंग में 1 फ्लोर किसी को किराए पे दे दिया था, और किसके दम पे? उस खूंखार भाई राघव अन्ना के दम पे। अरे आप ही बोलो, शेट्टी को मारकर शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ दुश्मनी क्यों मोड़ लूं? अरे भाई मुझे यहाँ धंधा करना है, दुश्मनी नहीं पालनी है। There is a point, Your Honor. There is a point. और तो और, मिस्टर चौराड़िया उस दिन अपनी बिल्डिंग में नहीं थे। इस केस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा एक और चौथा शख्स, जो राइजिंग मॉडल है, होटलियर है, मिस्टर प्रफुल पारिक। जी सर, उस रात मैं उसी बिल्डिंग में था। उस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर मेरे डैड का थाई रेस्टोरेंट है। करीब 11:30 बजे मैं पार्किंग लॉट से अपनी कार निकाल रहा था, तभी मैंने अचानक देखा कि अंगूठी। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इसके अंदर कुछ कुदा हुआ है। ये विक्रम शेट्टी। योर ऑनर, इस अंगूठी के अंदर विक्रम शेट्टी का नाम गुदा हुआ है। संतोष ने पहले विक्रम शेट्टी को मारा और फिर ये अंगूठी को मार। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं मानता हूं कि शेट्टी साहब की लाश देखकर मैं डर गया था और वहां से भाग गया था मेरा लॉट, लेकिन ये रिंग कहां से आई मैं नहीं जानता।
ये प्रफुल्ल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। अच्छा, तो फिर ये रिंग मेरे पास आई कहाँ से? तुम्हारी जेब से गिरी थी, झूठ मत बोलो। मुझे क्या पता। देखिए सर, ये लोग मुझे अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ जज साहब। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। आहा, मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री मिस किम कपूर, सुना है आजकल आपकी मिस्टर संतोष से खिटपिट रहती है। ये संतोष मेरा ट्रेनर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। काम में नहीं था यानी प्लानिंग में था? बॉस को मारने की प्लानिंग, या आपको भी लगता है मर्डर इसी ने किया? एब्सोल्युटली। ओ नॉट। क्योंकि उस रात जब मिस्टर शेट्टी की हत्या हुई थी, तब संतोष ना तो बाथरूम में था और ना ही जिम में। वो मुझसे मिलने आया था, कार पार्किंग लॉट में। What is this nonsense, Your Honor? What is this? झूठ बोल रही हैं आप? झूठ लग रहा है आपको अवत्रमाणी जी, क्योंकि इनकी बात आपकी परिकल्पना के विरुद्ध है। कृपया कर बोलने दीजिए ना। बोलिए किम। अरे किम मैम, आप यहाँ? ये लो, पूरे 5 लाख रुपए हैं, रख लो। 5 लाख? सॉरी मैम, मैं ये नहीं ले सकता। अरे तुम्हारे फादर के ऑपरेशन के लिए जरूरी है, कुछ मत सोचो, रख लो। मैम इस पूरे वक्त में आप मेरे काम आई, मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ? इट्स नथिंग, चल ओके। अब मैं निकलती हूँ, शूट के लिए जाना है। थैंक यू मैम। और जिस समय संतोष मेरे साथ कार पार्किंग लॉट में था, हो सकता है कि किसी ने मिस्टर शेट्टी को जिम में जाकर मार डाला हो। संतोष इज इनोसेंट सर। किम कपूर जो कह रही हैं, क्या ये सच है? आप इनके साथ थे? सर मैं वो, सोच लो, इनका बयान तुम्हें बचा सकता है। सर मैं इनके साथ पार्किंग लॉट में ही था सर। कितने पैसे दिए थे? वो पैसे कहाँ हैं? सर वो पैसे मैंने, वो पैसे मेरे पास हैं सर। झूठ बोल रही हो तुम। सर वो पैसे संतोष ने मुझे उसी रात लौटा दिए थे। रियली? मैं देख रहा हूं कि तुम लगातार मिस्टर संतोष को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो, झूठ पे झूठ बोल रही हो। लेकिन अब मैं देखता हूं कि किम कपूर आपको मुझसे कौन बचाता है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। उस रात आप बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में कैसे आई थी? अपनी गाड़ी से सर। गाड़ी का नंबर? MH03GF4949। 394949। इसमें एंट्री ही नहीं हुई है आपकी गाड़ी। भूलो कहीं होगी उनसे सर। वो भूले ही आप, सच सच बताइए आप वहां कैसे आई थी? वो एक्चुअली सर हुआ ही कि मैंने गाड़ी बाहर पार्क कर दी थी और अंदर पैदल आई थी। पैदल गई थी? ये सच है, आपका इसमें कहीं नाम रजिस्टर नहीं है। कम ऑन, मान लीजिए कि आप झूठ बोल रही हैं, झूठ पे झूठ बोल रही हैं। कम ऑन, सच बोलिए क्या है। तो आप बोलना क्या चाहते हैं, कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यस, झूठ बोल रही हैं। संतोष को बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। संतोष बताओ आखिर सच क्या है? एक मिनट अवतमान जी। संतोष, अदालत को सच सच बताओ
तुम उस रात किम के साथ पार्किंग में थे या नहीं? सर, मैं बाथरूम से पार्किंग में थे या नहीं? पार्किंग में मैं बाथरूम में थे या पार्किंग में थे? कहां थे तुम? यू ऑनर, झूठ पकड़ा गया, साबित हो चुका है झूठ। और आदमी झूठ तभी बोलता है जब उसे अपना गुनाह छुपाना हो। मिस्टर संतोष ने अपनी नौकरी बचाने के लिए विक्रम शेट्टी का कत्ल किया है, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये मैंने क्या कर लिया सर, किम मैम की बातों में आकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अंततः किम ने अदालत में झूठी कहानी सुनाई क्यों? सर वो मुझे बचाने के लिए। तुम्हें बचाने के लिए? किम तुम्हें क्यों बचाएगी? जहां तक मेरी जानकारी है वो तुम्हें नापसंद करती थी। दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ? Stupid. देखो संतोष, सच को छिपाओगे तो बाद में पछताओगे। बताओ सच क्या है? सर वो किम मैडम मुझसे प्यार करती थी सर। 4 महीने से जब भी वो जिम में आती हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करती थी सर। और कुछ दिन पहले ही You're a good trainer, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। Tell me when it hurts, okay? Mm-hmm. That's okay? Ouch. That's it. Okay, stretch this one. Okay, come on. 5, 6. Is that okay? Mm-hmm. 10 minutes. Locker room. Meet me. कहा था ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? ये जिम है। क्या हुआ? मैम, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। आई एम किम कपूर, कोई मुझे मना नहीं करता, मैं सबको मना करती हूँ। सो He was just showing me some moves. Hannah? Sir! Sir! उसे एक मिनट की कमजोरी की वजह से शेट्टी साहब ने मुझे गलत समझ लिया और वो मुझे नौकरी से निकालने वाले थे। अभी का अभी अपना इस्तीफा दो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें अब यहाँ एक दिन भी काम नहीं करने दूंगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हिबा का कथन सत्य था। जी सर। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? सर, मुझे लगा कि आप ये ना समझे कि अपनी नौकरी बचाने के लिए मैंने शेट्टी साहब का खून कर दिया। और इस डर के मारे तुमने किम की झूठी कहानी में भी हामी भर दी। फंस गए तुम।
देखो संतोष, एक बात याद रखना जीवन में, भय से बचने के लिए अगर एक बार झूठ बोला तो बार बार झूठ बोलना पड़ता है, जीवन भर पछताना पड़ता है। I'm sorry, sir. मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। केडी, इस बेंच प्रेस में कोई खामी नहीं है, इसलिए इस पर से वेट स्लिप होना इम्पॉसिबल है, और इसका क्या खराब हो सकता है, और वैसे भी 160 पाउंड कोई ज्यादा वजन नहीं होता जो कोई संभाल ना सके। अच्छा, क्या बात है, पहलवान है यार एकदम। अरे यार, अपने कॉलेज के दिनों में 250 पाउंड तो मैंने ऐसे उठाए। 250 पाउंड? रियली? हाँ, 250 पाउंड की बेंच प्रेस, यकीन नहीं होता। हाँ, वरुण को तो नहीं यकीन हो रहा, तो बता दे, अगर तू उठाता था तो अभी उठा ले, दिखा दे। चलो करके दिखाता हूँ। उठा ले, लगा वरुण। चल वरुण, लोड कर। देख सोच ले तबे, मतलब अरे एक, नहीं, एक बार सोच ले ना, डालना यार। क्यों बच्चा थोड़ी ना, इतना तो बच्चे मार हो गया ना कॉलेज से निकले कि नहीं, तो बूढ़ा थोड़ी ना हो गया केडी। इन केस ऑफ इमरजेंसी घर पे कुछ बोलना है? ऐसे थोड़ी ना कॉलेज में सब डेंजर दवे के नाम से बुलाते थे मुझे। डेंजर दवे? ऑलराइट, कुछ तो उठा लिया इसको। 1 2 2 2 अरे कंप्लीट। अरे 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 केडी साहब, तेज भाग यार। तू ठीक है ना दवे? अंतड़ी वंतड़ी तो नहीं टूट गई? वो क्या किया, आउट ऑफ प्रैक्टिस होना इसलिए। हाँ हाँ, हम समझते हैं। हाँ समझते हैं, समझ रहे। उठाए, इससे ज्यादा भी उठाया। हाँ, चलता है चलता है। वैसे तुझे बेंच प्रेस करता देख एक बात का विश्वास हो गया मुझे, शिट्टी की मृत्यु हादसा नहीं, हत्या थी। क्योंकि जैसे कि तूने किया, तुझे वजन भारी लगा, तूने अपनी छाती पर ले लिया। कोई भी ऐसा ही करेगा ना, कि अपनी गर्दन पर लेगा। इलॉजिकल, राइट सर? और गर्दन पर वेट तभी जाएगा जब कोई वेट पर दबाव डाल के गर्दन की ओर लेगा, तो संतोष ही होगा। वो ही इतना फोर्स लगा सकता केडी, और केडी उस रात सिर्फ संतोष ही मौजूद था यहाँ पर और कोई नहीं था। मुझे लगता है कि ये केस लेकर तुमने गलती की है, तुम ये केस हार जाओगे पक्का। ये स्प्रिंकलर यहाँ आया कहाँ से? अब ये मत कहना कि ये शेट्टी के सर पे गिरा जिसकी वजह से उसके हाथ से वेट फिसल गए। हो सकता है, पॉसिबल पॉसिबल। अभी तो संतोष के खिलाफ गवाही देकर मैंने साबित भी कर दिया कि मैं आपकी साइड हूं, कुछ तो रेट कम कीजिए। अरे भाई, आ तो बेस्ट रेट छे, ये लो पढ़ो और डन कर दो। अरे सोचो मत, डन कर दो। ओके सर, डील इज डन। क्या है, कुछ प्रॉब्लम है? नेक्स्ट मंथ तू शादी बना रही है, बताया नहीं तूने? नहीं हो रही है, झूठ बोला था मैंने। तो फिर कोर्ट में? वो तो बस संतोष को जलाने के लिए मैंने प्रोसिक्यूटर को कहा था। मतलब तू अभी भी संतोष को चाहती है? क्यों, किसी को चाहना अपराध है? कम से कम उसके दोस्त बनकर उसकी पीठ में छुरा तो नहीं मार रही कुछ लोगों की तरह। अपना इरादा बदल दिया है, मैं संतोष से प्यार करती और तुम्हारे कहने पर मैं उसे सूली पर नहीं चढ़ाने वाली। और वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि अदालत में मैंने तुम्हारा नाम नहीं दिया। ओ हेलो, ये धमकी वमकी ना किसी और को देना तुम, वरना अगली बार अदालत में दिखा दूंगी कि मैं क्या हूं।
I'm Kim Kapoor. और Kim Kapoor कभी किसी से नहीं डरती. Get that? Don't worry, Santosh. मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि ये किसने किया. घर पर अकेली थी, कोई दूसरा नहीं. पूरे घर में किसी इंसान का नामो निशान नहीं. हाँ यार वरुण, ये तो समझ में नहीं आ रहा. सिक्योरिटी ने भी किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा. फ्लैट के बाहर सीसी कैमरा भी लगा है, वहां भी कोई नहीं. तो हत्यारा अंदर आया कैसे? सोचने वाली बात है. समझ नहीं पा रहा हूं कि अंततः किम को कोई क्यों मारेगा. और हर हत्या में हत्या का शस्त्र एक ही होता है. यहां दो दो खंजरों का प्रयोग किया गया, क्यों? एक और बात सर, किम के फ्लैट के बाहर सीसी कैमरा है, वहां भी ना तो कोई अंदर जाते हुए दिखा और ना ही बाहर आते हुए. तो फिर हत्यारा आया कहां से और कहां चला गया? बड़ा ही विचित्र केस है. दो हत्याएं, दो अलग अलग बंद कमरों में, हत्यारा का इस प्रकार से बिना किसी के देखे आना और जाना. प्रश्न ये उठता है कि किसने की ये हत्याएं? उससे भी बड़ा प्रश्न कि क्यों की? और उससे भी बड़ा प्रश्न, कैसे ये हत्याएं हुई, कैसे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.